ठीक है जी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। अच्छा जी, लारावेल को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कंपोजर। कंपोजर एक तरह से कह लें पैकेज मैनेजर है, एक यूटिलिटी है जो कि मुख्तलिफ पैकेजेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। इससे पहले एक पीयर क्लासेस थी किसी ज़माने में, फिर एक ज़माने में फार था एक पैकेज। तो इसी तरह से थोड़ा सा उससे एडवांस है कंपोजर, एक पैकेज मैनेजर एक टूल है। इसको आपको अपने पास इंस्टॉल करना पड़ेगा, विंडोज़ पे भी इंस्टॉल हो जाता है, लिनक्स पे भी हो जाता है, और अगर किसी के पास मैकबुक है उस पर भी अवेलेबल है। तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। नॉर्मली जिस तरह से एक विंडोज़ के ऊपर नेक्स्ट 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 वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने जब इंस्टॉल हो जाए आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके, ये मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर कंपोजर माइनस वी, मेरे पास इस वक्त जो अभी वर्जन है वो 1.8 है, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इस कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इसको माइनस वी या कोई और कमांड चला के देख लीजिए। कंपोजर डायरेक्टली आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे चलना चाहिए, वो चल जाएगा। अगर ना चले एक और इन्वायरमेंटल वेरिएबल होते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल लिख लीजिए। इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपको कंपोजर को ऐड करना पड़ेगा, अगर आपके डायरेक्ट अगर ये कमांड ना चले तो। इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर आपको जाके वो गूगल कर लीजिएगा किस तरह ऐड करते हैं, मुझे एग्जैक्टली तरीका नहीं अभी याद उसका। प्रॉपर्टीज में जाते हैं माय कंप्यूटर की, वहां जाके कहीं आगे पीछे घूम फिर के, तो वहां पर हम एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर कंपोजर को ऐड करते हैं, ठीक है। अगर इन केस आपके पास ये कमांड डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट पे ना चल रही हो, क्लियर हो गई बात। जब आपने कंपोजर इंस्टॉल कर दिया जो कि एक पैकेज मैनेजर है, उसके बाद आपने कमांड लिखनी है कमांड प्रॉम्प्ट पे ही जाके कंपोजर, ये लिख लीजिए ग्लोबल रिक्वायर लारावेल / इंस्टॉलर, ठीक है। मेक श्योर कि आपके पास इंटरनेट चल रहा हो जिस वक्त आप ये कमांड चलाएं। जी जी, ये भी ये जितनी भी मैं चीजें बता रहा हूँ ये कमांड प्रॉम्प्ट पे चलानी है आपने। इसको मैं मिटा देता हूँ, इंस्टॉल लारावेल फर्स्ट। पहला स्टेप ये है कि इंस्टॉल कंपोजर कीजिए, उसके बाद सेकंड स्टेप पे चेक कर लें कि जी कंपोजर जो है वो आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे चल रहा है, तो कंपोजर माइनस वी कैपिटल में। अगर नहीं चल रहा आप इसको एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऐड करेंगे, कंपोजर इन एनवायरनमेंट वेरिएबल। ये थर्ड स्टेप हो गया आपका। एक कब करना है, इफ कंपोजर इज नॉट रनिंग कमांड, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप आपका क्या होगा, आपने ये कमांड लिखनी है कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल / इंस्टॉलर। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जब ये 2-5 मिनट गुजर जाए तो जब ये कमांड कंप्लीट हो जाए तो फिफ्थ स्टेप पे आपने करना है जी जनाब। सब यहां पर दो तरीके हैं, मैं आसान वाला बताता हूं। लारावेल क्रिएट डैश प्रोजेक्ट और फिर उस यहां पर प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है, जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम देना चाहें, CMS सर्वे टूल वट एवर मैनेजमेंट सिस्टम, तो प्रोजेक्ट नेम दे दीजिए
इसके बाद लास्ट आपको चलाना है कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आई गेस स्लैश स्लैश पाइप है स्लैश नरमेल के बाद आपके प्रोजेक्ट नेम अच्छा अब इसके बाद मैं स्पेस अच्छा अब यहाँ पर अगर आपने कोई स्पेसिफिक वर्जन करना है लारावेल का लेट्स से 5.2 या 5.3 या 5.4 डॉट स्टैटिक और उसके बाद क्या लिखते हैं माइनस प्रेफर डिस्ट्रीब्यूशन और अगर आपने स्पेसिफिक वर्जन या जो भी इसका लेटेस्ट जो है वो 5.7 है तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से छोड़ दें तो जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा लारावेल का वो इंस्टॉल हो जाएगा ये टोटल 5-10 मिनट लगेंगे इन तमाम कमांड्स को एग्जीक्यूट करने में आपको ठीक है अगर आप स्पेसिफिक वर्जन करना है आपको सॉरी स्पेसिफिक वर्जन ये कमांड लिख लें और अगर लेटेस्ट वन करना है अपग्रेडेड तो आप डायरेक्ट ले लें ठीक है जी जब आप ये तमाम काम कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास ये शक्ल आ जाएगी कुछ ये तमाम फोल्डर्स तमाम डायरेक्टरीज तमाम स्ट्रक्चर इसको मैं ठीक है यहां तक ये लिखना चाहें तो ये लिख लें तमाम चीजें ये लिख लें ये मैं सेव कर देता हूँ फाइल साथ में उसमें रख दूंगा प्रोजेक्ट में अब मैंने किया ये है कि जो ब्लॉक का जो फोल्डर है मेरे पास इसको मैंने यहां से इसका कान पकड़ा और इसको मैंने यहां पर लाकर सब लाइन पे यहां ड्रॉप कर दिया तो ये पूरी डायरेक्टरी और उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं अब यहां लेफ्ट पे आ गई जितने फोल्डर हैं थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपको इसमें नेविगेट करने में और तमाम काम करने में अच्छा जी अब यहां पर सबसे पहले हम चलते हैं अच्छा अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है मैंने मेरे पास फोल्डर है लारावेल डैश सीपी उसके अंदर ब्लॉक अच्छा जब आप ब्लॉक पे जाके क्लिक करेंगे ये आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पूरा ये रूट पे जितनी भी फाइल्स हैं ये दिखाएगा यहां पर एक फोल्डर है पब्लिक का जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये पहली स्क्रीन ये आ जाएगी इट मीन्स के तमाम चीजें ओके लारावेल इंस्टॉल हो गया तमाम चीजें तमाम फाइल्स हैं फाइल जो है वो सक्सेसफुली आ गई ठीक अच्छा अब ये पेज आया कैसे अच्छा दूसरी पहली चीज ये कि अब यहां से अगर मुझे आपको यूआरएल नजर नहीं आ रहा यूआरएल इस वक्त जो है वो कुछ ये है लोकल होस्ट एंड में आपको पब्लिक फोल्डर में भी जाना पड़ रहा है इसको हम थोड़ी देर में चेंज करते हैं मैं इस यूआरएल को चाहूं तो मैं चेंज कर सकता हूं ठीक है वो किस तरह से लोकल पे भी रहते हुए भी कर सकते हैं लाइव पे भी कर सकते हैं किस तरह अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूं फिलहाल हम चलते हैं इसके
डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की तरफ। अच्छा सबसे पहले इसके जरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझ लें। देखिए यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स हैं, आपने जो काम करना है वो मेन तीन फोल्डर्स में करना है, ठीक है। एक यहाँ पर आपके पास रूट पर पहला फोल्डर है ऐप का, लिख लीजिए। सबसे मेन जो आपका फोल्डर होगा वो होगा ऐप। दूसरा आपके पास फोल्डर है यहाँ पे राउट का, सॉरी कन्फिग है, दूसरा कन्फिग है, तीसरा राउट है। अच्छा कन्फिग में एक ही दफा, एक आध दफा ही हम काम करेंगे, छेड़छाड़ जो भी करनी होगी। दूसरा राउट, तीसरा राउट है, और एक और फोल्डर है जिसमें हम काम करेंगे वो है रिसोर्सेस का। ये तमाम रूट पे ही मौजूद है, पहला ऐप, दूसरा कन्फिग, तीसरा राउट, चौथा रिसोर्सेस। कन्फिग में हम एक दफा काम करेंगे, बाकी इन तीनों फोल्डर्स में हम फ्रीक्वेंटली आते जाते रहेंगे। क्यों, कहां पर क्या चीज मौजूद है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा जी कन्फिग के अंदर सबसे पहले चले जाते हैं। कन्फिग में यहां पर काफी सारी फाइल्स मौजूद है, आपकी एप्लीकेशन की जो मेन कॉन्फ़िगरेशन होगी, जिसमें यहां पर सबसे पहले पहली फाइल है app.php। अगर मैं अब इसको ओपन करता हूं तो इसके अंदर एक एरे रिटर्न कर रही है फाइल। देखिए ये एरे का साइन है और ये एक रिटर्न है, तो यहां बहुत सारी चीजें इसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज को आप सेट करते हैं। जिस तरह एनवायरनमेंट क्या, आपका एप्लीकेशन का नाम क्या है, और इस तरह के मजीद बहुत सारे, डिबगिंग ऑन है, यूआरएल टाइम जोन क्या है, इस तरह की बेशुमार आपके पास चीजें यहां पर डिफाइन है, ठीक है। अच्छा इसी तरह यहां पर एक और फाइल है डेटाबेस की। डेटाबेस के अंदर आपके पास डिफॉल्ट डीबी कनेक्शन कौन सा है, MySQL। यहां पर आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर MySQL, MySQL आई यूज कर सकते हैं, यहां पर आप MongoDB यूज कर सकते हैं, यहां पर आप MS SQL यूज कर सकते हैं, यहां पर आप ODBC कनेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब के ड्राइवर्स बाय डिफॉल्ट इसमें मौजूद है, यानी आपको कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। अगर आपके पास डेटाबेस सर्वर जो है वो एमएस एसक्यूएल या मोंगो है या जो जिनको ये सपोर्ट करता है वो है, तो सिर्फ आपने यहाँ पर डीबी कनेक्शन बताना है कि मेरे पास जो डीबी सर्वर है या डेटाबेस इंजन है वो कौन सा है, बाकी आपको तमाम चीजें, तमाम कोड एज इट इज रहेगा। अगर आपने इसका ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल इस्तेमाल किया है, ORM जिसको हम कहते हैं, अगर आपने फ्लैट क्यूरीज लिखी हैं जो कि लिखी जा सकती हैं, तो आपको फिर अपनी क्यूरीज भी अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ेगी जिस डीबी को भी आप, जिस डीबी पे भी काम कर रहे हैं। बात समझ भाई, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं MySQL के अंदर क्यूरी लिखते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। MySQL में तरीका यह है, हो सकता है मोंगो के अंदर लिखते हो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। अगर आपने इस तरह ही फ्लैट क्यूरी लिखी होगी, फ्लैट क्यूरी से मतलब इस तरह से आपने डायरेक्टली SQL स्टेटमेंट आपने खुद लिखी है, तो आपके पास ड्राइवर है MySQL, ये क्यूरी तो चल जाएगी। लेकिन जब आप इसको चेंज करेंगे मोंगो के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आपने कल अपना सर्वर चेंज कर दिया मोंगो पे ले गए, अब स्टैटिक की जगह आपने जहां जहां स्टैटिक लगाया हुआ था वहां वहां तमाम जगहों पे आके क्यूरीज को आपको ऑल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब आपका इंजन जो है वो मोंगो है। लेकिन अगर आपने ये क्यूरीज नहीं लिखी होंगी, आपने इसका ORM यूज किया होगा, किस तरह यूज करेंगे वो भी हम देख लेंगे। एलोक्वेंट मॉडल जो है इसका ORM जो है वो किस तरह से यूज होगा उसको अभी हम देख लेते हैं। अगर वो यूज किया होगा तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ यहां से आकर यहां पर आप उसका एनवायरनमेंट या सॉरी कनेक्शन चेंज कर दीजिए, ये अब कौन सा डीबी यूज होगा। आगे बढ़ सुन,
नहीं सिर्फ इसलिए यूज है इसका। चलिए इसके बाद यहां पर नीचे पोस्ट पीजे एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर। इसने यहां पर आपको सहूलियत के लिए ये भी दिया हुआ है कि आपने जो भी सर्वर इस्तेमाल करें, एसक्यूएल सर्वर यूज करें, एसक्यूएल सर्वर, तो उसकी आप कॉन्फ़िगरेशन यहां पर दे दीजिए। अगर आप पीजे एसक्यूएल यूज करें तो यहां पर दीजिए। हम यहां पर MySQL यूज करेंगे, तो MySQL के लिए आपको इंफॉर्मेशन यहां देनी है। अब इसके अंदर ये क्या क्या चीजें पूछ रहा है, ड्राइवर पूछ रहा है, होस्ट और डेटाबेस का नाम। डेटाबेस हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा डेटाबेस है। यूजर नेम हमारे पास है रूट, पासवर्ड आई गेस नहीं है, कोई सॉकेट नहीं है, बाकी चीजों को इसी तरह से रहना। ये आपके पास डीबी की कॉन्फ़िगरेशन आपने एक दफा कर दी। ये फाइल कहां पर मौजूद है, कॉन्फ़िग रूट फोल्डर के ऊपर, कॉन्फ़िग के अंदर डेटाबेस डॉट पीएचपी। इसके अंदर आपने एक दफा वन टाइम आपने जाकर अपने डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया? यस। तो उसकी जरूरत नहीं, वैसे का वैसे। हाँ वो वैसे वो आपके स्विच करेगा यहां से, जो आप कनेक्शन यहां देंगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन उठाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब इस फाइल को मैं कर देता हूं बंद, इसको भी कर देते हैं हम बंद। अच्छा, इसके अलावा यहां पर जो मजीद फाइलें हैं ये अकॉर्डिंगली जब हमें जरूरत पड़ेगी, जिस तरह हमें कुछ देर बाद ये ऑथेंटिकेशन ऑथ डॉट पी एच पी फाइल की जरूरत पड़ेगी, जब पड़ेगी हम इस पर वापस आ जाएंगे। अच्छा, मैं इस फोल्डर से आ गया हूँ बाहर, वापस आ गया हम रूट के ऊपर। अब यहां पर नेक्स्ट जो फोल्डर है वो है, इसमें मैं जा रहा हूँ, वो है राउट डॉट पी एच पी, और यहां पर एक फाइल है वेब डॉट पी एच पी। रूट फोल्डर पे राउट डॉट, राउट के फोल्डर में वेब डॉट पी एच पी, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। अच्छा, फिलहाल यहां पर खास नहीं लिखा, यहां पर सिर्फ ये दो लाइनें लिखी हैं कि राउट डबल कॉलन गेट स्लैश, उसके बाद एक एनोनिमस फंक्शन ट्रिगर हुआ है, फंक्शन उसमें रिटर्न किया मैंने 1000 व्यू वेलकम का। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूं। अब वापस हम आते हैं इधर। आपके पास ये स्क्रीन चलना बंद हो गई। सब मैं इसको दोबारा से रीडिफाइन करता हूं, राउट डबल कॉलन गेट, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, स्लैश फंक्शन एनोनिमस, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आखिरी क्लासेस चल रही हैं और अभी तक आप सिंगल कोड और डबल कोड में उलझे। और यहां पर मैं लिख देता हूं मशहूर जमाना हेलो वर्ल्ड, स्पेस भी दे देते हैं। ठीक है, इसको एक दफा फिर रिफ्रेश करते हैं। तो बेसिकली ये हेलो वर्ल्ड आ गया, आ गया। अच्छा, इस फाइल का काम क्या है सर, इसको गौर से समझ लीजिए। राउट
या रूट के फोल्डर में जो web.php, इसका काम ये है कि जितने भी आपके पास URL हिट होंगे, URL से मुराद जो भी पेज आपका हिट होगा, तो ये वाली फाइल, ये जो web.php जो कहाँ मौजूद है, रूट के फोल्डर के अंदर मौजूद है, ये डिसाइड करेगी कि मुझे इसको कहाँ भेजना है या इस URL के हिट होने पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, किस तरफ रूट करना है, राउट करना है। लेकिन अच्छा, स्लैश से मुराद ये है कि इसका होम पेज है, ठीक है। अब मैं अगर इसी तरह से एक और राउट लिखूं मैं यहां पर, और मैं कहता हूं यहां पर इट्स अबाउट, ठीक है। अब यहां पर यूआरएल में चेंज करता हूं, मैंने ऊपर अबाउट लिख दिया, नजर आपको नहीं आ रहा, लिख दिया, बाकी में लिख दिया, ठीक है। तो अब जैसे ही स्लैश के बाद अबाउट हिट होगा, तो ये अबाउट अस के ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिलहाल मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग पास कर रहा हूं, हम बहुत सारे काम और कर सकते हैं, वो भी हम देखते हैं किस तरह से। यहां तक क्लियर है राउट? अच्छा, जितने भी URLs होंगे, इस बात को लिख लीजिए, जितने भी URLs आपके चेंज होंगे उसके लिए आपको उसका राउट डिफाइन करना पड़ेगा, कहां पर? रूट स्लैश वेब डॉट पीएचपी के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है, जितने भी URL आपके हिट होंगे, जितने भी पेजेस आपके मौजूद होंगे वेब एप्लीकेशन में, उसके लिए आपको जो राउट डिफाइन करने पड़ेंगे, वो राउट डिफाइन करेंगे आप रूट स्लैश वेब डॉट पीएचपी के अंदर। अच्छा, अब यहां पर एक मिनट के लिए फुल स्टॉप, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। लारावेल क्या है? व्हाट इज लारावेल? भूल गए शुरू में बात करना। What is Laravel framework? MVC framework. What is MVC? What is Model View Controller? Itself क्या है? What is MVC? एक pattern है, design pattern कहते हैं इसको। एक design pattern है MVC, जिसके ऊपर हम अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। क्यों करते हैं? और अगर ना करे तो दूसरा बंदा, मैं कोडिंग करूं और उसको बम फाड़ दूं, उस पर खत्म कर दूं? नहीं, आपका कोड दूसरा भी समझ रहा है, ये तो खतरनाक बात है। सर क्या होता है, जब कोई नया डेवलपर आता है तो वो पुराने प्रीवियस डेवलपर को क्या करता है? गालियां देता है कि इसने कोड खराब लिखा है। हमेशा एक परम, वो एक परंपरा है, एक रस्म दुनिया है, हर नया आने वाला पुराने वाले को, इसने पुराने वाले ने कोड सही नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि दूसरे का कोड समझना वैसे इटसेल्फ मुश्किल होता है। तो लारावेल में अगर कोई लिखेगा तो सबको समझ में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर एक पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम है ना, तो वो सबको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एमवीसी यूज क्यों करें? सर इसमें जो है वो हमारे पास कोड इजी रखा हुआ है, यानी कि ये तो इतना मुश्किल अभी तक हमने असल काम ही नहीं किया। सर व्यू वाला कंट्रोलर लॉजिक अभी तक तो हम दम पे ही मार रहे हैं। इधर सब फायदा क्या है? डिवाइड हो गया, आसान हो गया, यही फायदा है। टाइम कम लगता है, सबसे मेन एडवांटेज इसमें ये है। किसी भी एमवीसी फ्रेमवर्क को यूज करने का एडवांटेज ये है कि एक एप्लीकेशन जो डेवलप होनी थी 10 घंटों में, वो अब अगर आप फ्रेमवर्क यूज करेंगे तो अब होगी वो 1 घंटे में। तो आपकी जी वाकई ऐसा होता है, आपकी डेवलपमेंट स्पीड जो है वो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, तो वो आपको एमवीसी के थ्रू या फ्रेमवर्क के थ्रू, एमवीसी के थ्रू नहीं, इस फ्रेमवर्क के थ्रू मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बनी बनाई बेशुमार लाइब्रेरीज हैं,
ठाक लाइब्रेरीज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिनको आप सिर्फ यूज करें और आप आगे बढ़ें। एक एप्लीकेशन के अंदर अगर 10 टेबल हैं, 10 टेबल का अगर आपने क्रड बनाना है, क्रड से मुराद इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो हार्डली मेरा ख्याल है 10 मिनट एक क्रड पे लगेंगे। अगर 10 टेबल के आपने क्रड बनाने तो मल्टीप्लाई कर लें 100 मिनट के अंदर, यानी 1.5 से 2 मैक्सिमम 2-2.5 घंटे में आप 10 टेबल के क्रड बना लेंगे लारावेल के अंदर। क्योंकि कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। जब भाई हम देखेंगे किस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, एमवीसी समझ लेते हैं, काम इस पे करना काफी आसान है। बस आपको एक दफे स्ट्रक्चर समझ में आ गया, बाकी तमाम चीजें इसमें आसान है, आपने सिर्फ चीजों को कॉल करना है। ठीक है यार, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक फायदा, दूसरा फायदा ये कि तो इससे पहले आप बात कर रहे थे कि अगर आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेस, मल्टीपल डेवलपर्स एक वक्त में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वहां पर सिंक्रोनाइजेशन आसान होती है। ठीक है, कोलैबोरेशन में जो आप काम करते हैं, भाई अगर 10 डेवलपर एक ही प्रोजेक्ट पे एक टाइम पे काम कर रहे हैं और तमाम लारावेल जानते हैं, तो उनको समझाना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो एक बंदा कहीं से काम पकड़ रहा होगा, एक बंदा कहीं और घुमा के पकड़ रहा होगा, ऐसा नहीं है। सबको पता है कि इसका एक वेल डिफाइंड पैटर्न है, एक स्ट्रक्चर है, तमाम चीजें, कंट्रोलर अपनी जगह जाएगा, मॉडल अपनी जगह जाएगा, व्यू अपनी जगह होगा, HTML, CSS, JavaScript एक जगह होगी। जब ये तमाम चीजें एक बहुत टाइटली डिफाइंड हो, ठीक है, तो आपका पैटर्न और आपकी एप्लीकेशन स्पीड जो है डेवलपमेंट वो काफी बढ़ जाती है और आसानी भी होती है। किसके लिए? डेवलपर्स के लिए। तो ये मेन दो एडवांटेजेस हैं। अच्छा, लारावेल इटसेल्फ जो बना है वो इसके पीछे एक और फ्रेमवर्क है जिसकी बैकबोन है, जिसके ऑन टॉप ऑफ एक तरह से रैपर लिखा गया है लारावेल का। लारावेल इटसेल्फ जो फ्रेमवर्क है ये एक और एमवीसी फ्रेमवर्क के ऊपर लिखा गया है जिसका नाम है सिंफनी। सिंफनी 2 के ऊपर लारावेल को लिखा गया है। तो इसकी बहुत सारी चीजें, ये जो खास तौर पे जो राउट की जो ये जो फाइल है web.php, ये फाइल जो है वो सिंफनी के अंदर भी आपको झेलनी पड़ती है। अच्छा, लारावेल के अंदर कुछ चीजें, कुछ अच्छी चीजें इंस्पायर्ड है मुख्तलिफ फ्रेमवर्क से, यानी बहुत सारी चीजें, लेकिन इसके अंदर कंपैरेटिवली चीजें आसान है। सिंफनी बहुत मुश्किल है, सिंफनी 2 जो है वो इतना आसान है नहीं जितना लारावेल है। ठीक है, सिंफनी भी एमवीसी फ्रेमवर्क है। इसके अलावा कोड इग्नाइटर है एक और फ्रेमवर्क जो कि समझें कि नॉर्मली लोग यूज करते नहीं, उसका एक टाइम था जो खत्म हो गया, वो भी एमवीसी फ्रेमवर्क है। एक और है फ्रेमवर्क, कोहाना है, वाइड अप्लाई है, आपके पास जेंड है। एमवीसी फ्रेमवर्क सबका कॉन्सेप्ट एमवीसी का यही है कि जी मॉडल व्यू कंट्रोलर स्ट्रक्चर अलग अलग है। आपको अगर एक एमवीसी समझ में आता है तफसील से तमीज के साथ, तो बाकी एमवीसी समझना आपके लिए मुश्किल होपफुली नहीं होगा। थोड़ा सा सिर्फ आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि जी अच्छा इसका स्ट्रक्चर किस तरह से, इसमें क्यूरी किस तरह कर रहे हैं, बस। इसके अलावा आपको हार्डली 2 दिन लग जाएंगे किसी नए फ्रेमवर्क के ऊपर उसी स्पीड से काम करने में जिस स्पीड से आप 6 महीने तक इस लारावेल पे काम कर रहे हैं। मिसाल दे रहा हूँ, मतलब आपका अगर हाथ इस पे बहुत अच्छा सेट है, आपको कोई नया फ्रेमवर्क पकड़ा दें तो हार्डली, अगर आपका दिमाग चलता है तो 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, दिमाग की वजह से बहुत चलता है हमारे। खैर, ये इतना मुश्किल नहीं है, एक एमवीसी समझ लें तमाम एमवीसी समझ में आ जाएंगे, इन शॉर्ट बात यह है। अच्छा जी, अब यहां तक वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, अब ये राउट के अंदर अभी तक हमने ये एक स्ट्रिंग पास किया था, अब मैं एक और राउट डिफाइन करता हूं।
अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर इसका रूट हिट हो तो एक एनोनिमस फंक्शन ट्रिगर हो, और यहाँ पर मैं रिटर्न कर रहा हूँ आपकी दफा एक अदद व्यू, और उसमें मैंने व्यू में पास किया एक होम। अच्छा जी, अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यकीनन ये नहीं चलेगा। ठीक है जी, ये कहता है कि जी इनवैलिड आर्गुमेंट, आपके पास ये फाइल जो है वो उसको मिली नहीं है। तब ये फाइल कहाँ ढूंढ रहा है, जरा आप गौर से देखें तो ब्लॉक्स के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर। अब हम आते हैं इस फोल्डर में और यहां पर चलते हैं रिसोर्सेज में, व्यूज में। ठीक है, यहां पर अभी कोई फाइल मौजूद नहीं है। मैं करता ही हूं, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं आसानी के लिए और उसको कर देते हैं होम। अच्छा, अब जितने भी व्यूज हम सेव करेंगे उसके साथ हम लिखेंगे डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। अब हम डायरेक्टली सिर्फ व्यू की बात कर रहा हूं, जितने भी व्यूज हम बनाएंगे, लिख लीजिए इस बात को भी, जितने भी व्यूज बनाएंगे चाहे वो लेआउट के व्यूज हो चाहे वो स्क्रीन व्यूज हो, उनके साथ हम फाइल एक्सटेंशन रखेंगे फाइल नेम डॉट ब्लेड BLADE ब्लेड डॉट पीएचपी। आपके पास लिखने को कुछ नहीं मौलाना साहब? क्यों तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है इस हरकत, लेके आया करें भाई अल्लाह के वास्ते लेके आया, क्यों नहीं समझ में आती आप? नहीं जी, ये लिखेंगे। तो जब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक दफा, इसमें HTML लिखी हुई है, एक दफा फिर अगर मैं इसको चलाऊं ये भाई वेलकम का जो पेज था मैंने बेसिकली उसी की HTML कॉपी कर ली, तो भाई आपके पास HTML यहाँ यहाँ आप अपनी HTML लिख दें, मैं मिसाल के तौर पे अपनी HTML लिख देता हूँ, आपको वो अच्छी नहीं लगे तो माय फर्स्ट व्यू पेज। ठीक है, जो भी आप HTML, CSS। अच्छा, अब आपने व्यू के ऊपर क्या क्या काम करना है, क्या क्या कर सकते हैं, क्या करना है वो नहीं, क्या क्या कर सकते हैं आप व्यू के ऊपर करेंगे वो आप CSS लिख सकते हैं। यहां पर आप अपनी JavaScript का कोड लिख सकते हैं, jQuery का कोड भी लिख सकते हैं, AngularJS का कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है, HTML भी लिख सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, इस पे कोई क्यूरी नहीं, कोई डेटाबेस का कनेक्शन नहीं, कोई PHP नहीं, जीरो PHP। ठीक है, व्यू के ऊपर जो आपने लिखना है सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने चीजें मेंशन की हैं, इसके अलावा मजीद कुछ भी नहीं लिखना। अच्छा, ये जो मैंने क्लियर हो गई बात, यहां पर जो मैंने व्यू के साथ डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी लिखवाया है, आप में से किसी ने पूछा नहीं क्यों? चेंज नहीं कर सकता ब्लेड क्या है, बाकी सबको पता था ये टाइम क्या है, तो पूछो क्यों? मैं बता दूंगा, मैं नहीं बताऊं तो मैं तो आगे चला गया था। ब्लेड जो है वो एक टेम्पलेट इंजन है, टेम्पलेटिंग इंजन है, एक टेम्पलेट HTML लिखने का एक टेम्पलेट, एक तरह से तरीका कार है।
ठीक है। इसी तरह ब्लेड है एक और टेम्पलेट इंजन है जिसका नाम है, खैर यहाँ लारावेल के अंदर ब्लेड है लेकिन दुनिया के अंदर इसके अलावा भी टेम्पलेट इंजन मौजूद हैं, जिसमें एक है स्मार्टी है, एक रेजर है और एक दो और है। एक दो और है मुझे नहीं पता बाहर, ये दो तीन मैंने मुख्तलिफ जगहों पे आपके पीएचपी के साथ कॉम्बिनेशंस में इस्तेमाल होते हैं। तो यहां पर जो खैर बाकी मैं मिटा देता हूँ, यहां पर जो हम टेम्पलेट इंजन यूज कर रहे होंगे वो ब्लेड यूज कर रहे होंगे। तो ब्लेड एक टेम्पलेट इंजन है, किस तरह से काम करता है वो हम देख लेंगे अभी। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि जी हमने व्यू कहां रखना है, व्यू को सेफ कहां किया हमने, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर। रिसोर्सेज रूट पे था, उसके बाद रिसोर्सेज और व्यूज, और व्यूज में जो भी हम फाइल सेव करेंगे, फाइल नेम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी इस एक्सटेंशन से सेव करेंगे। ये आपका पहला व्यू बन गया, क्लियर हो गया यहां तक। इस व्यू को कॉल कहां से किया हमने, राउट के अंदर एक फाइल थी वेब डॉट पीएचपी, वहां पर मैंने एक राउट डिफाइन किया कि जब भी ये मेरे पास पेज यूआरएल हिट हो, इनके रूट मेरा यूआरएल हिट हो, तो मैं यहां पर व्यू रिटर्न करूंगा, तो मैंने यहां पर लिख दिया। बहुत सब कुछ करा सकते हैं, अभी कर रहे हैं नहीं, सब कुछ नहीं, सॉरी, दो चीजें करा सकते हैं, एक व्यू बल्कि तीन। डायरेक्टली एक स्ट्रिंग भेज सकते हैं आप, जिसरा मैंने यहां भेजा था, एक व्यू भेज सकते हैं जो अभी हमने कर लिया, तीसरा हम कंट्रोलर हिट करते हैं। कैसे मैं भी बताऊं जी। टेम्पलेट एक एस्टीमेट डिफाइन करने का तरीका है, नहीं एस्टीमेट डिफाइन करने का तरीका नहीं, अभी देखते हैं क्या है, कुछ है तरीका है, एक आसानी है इसमें। नहीं सिर्फ यहाँ, अच्छा यहाँ पर डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी नहीं लिखेंगे जब हम इसको कॉल करेंगे, ठीक हो गया जी। कौन सा कौन होम, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, होम डॉट ब्लेड पीएचपी, ये फाइल यहां पर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कहां पर, कमांड प्रॉम्प्ट पे। अच्छा कमांड प्रॉम्प्ट पे जो लिखा है सबको नजर आ रहा है, यार इसको हम थोड़ा सा कुछ बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट बढ़ा देते हैं थोड़ा, आपको छपा का हुआ इससे ज्यादा नहीं कर सकता, मुझे नजर नहीं आया पे। अच्छा जी, अब मैं यहां पर हूं, थोड़ा सा कोशिश कर लें, लिख लीजिएगा जो मैं बताऊंगा। यहां पर मैं ब्लॉक के रूट फोल्डर पर मौजूद हूं और यहां पर मेरे पास एक फाइल मौजूद है, आपको पहले वो फाइल दिखाया तो आर्टिसन ARTISAN, ये एक तरह से एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इसको आप चलाएंगे पीएचपी आर्टिसन। अभी फिलहाल मैं एंटर दबा देता हूं, ये एक तरह से समझ लें कि एक आपका एक हेल्पर है जो कि आपके काम को स्पीड अप कर देगा। बहुत सारी चीजें हम इस कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं,
जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कट गया, मैं इसको क्या करूँ। हाँ वैसे सही है। तो मैंने PHP आर्टिसन चलाया था, तो सबसे पहले इसने मुझे दिखाया लारावेल फ्रेमवर्क 5.4.36, उसके बाद यहां पर ये बता रहा है अवेलेबल कमांड्स कौन कौन सी हैं। ये वो तमाम कमांड्स हैं जो कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक मिनट यहां से बहुत सारी चीजें हम इस्तेमाल करेंगे इसमें से, जैसे कि माइग्रेट इस्तेमाल करेंगे, ऑप्टिमाइज इस्तेमाल करेंगे, सर्व इस्तेमाल करेंगे, टिंकर इस्तेमाल कर लेंगे, ऐप 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 नेम, ऑथेंटिकेशन, डीबी डीबी सीड। इसके बाद है यहां पर इवेंट जनरेट, शायद ना करें, की जनरेट ऑलरेडी हुई हुई है, मेक ऑथ, मेक कंट्रोलर, मेक मॉडल, मेक माइग्रेशन, मेक मिडलवेयर, मेक प्रोवाइडर, मेक रिक्वेस्ट, मेक टेस्ट। ये वो चीजें हैं जो कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली अब ये किस लिए इस्तेमाल होगा, क्रिएट अ न्यू कंट्रोलर क्लास, ठीक है जी। अच्छा अब मैं यहां पर काम ये करता हूं, मैंने डॉग्स का टेबल लिया था, डीबी लिया था, अब हम चलते हैं इसमें कोई यूजर है। हाँ एक आध तो है, तो मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूं। ये तो मैं डिलीट नहीं करते मैं एक टेबल बना रहा हूं जल्दी से, ताकि मैं मजीद काम कर सकूं। सब मैं वापस आता हूँ, मैंने एक टेबल बनाया सिर्फ और कुछ नहीं किया खास काम। अच्छा अब मुझे यहाँ पर, अगर ये आपको नजर आ रहा हो, नजर आ रहा है नहीं आ रहा होगा, तो मैं कमांड लिख रहा हूँ PHP आर्टिसन, लिख लीजिए आप मेक कॉलन कंट्रोलर। मैं कंट्रोलर बेसिकली क्रिएट करने जा रहा हूँ। अच्छा मॉडल व्यू कंट्रोलर में तीन चीजें हैं, एक व्यू, व्यू तो हमने देख लिया कि जी व्यू बने किस तरह से बनाना है, उसके साथ एक्सटेंशन कहाँ रखना है, क्या रखना है, और उसको सेव कहाँ करना है। अभी हमने सिर्फ ये बात की है, अभी उसके टेम्पलेट इंजन की बात अभी हमने नहीं की, जो हम अभी करेंगे एक चीज। दूसरी चीज ये, अब दूसरा इसके अंदर है कंट्रोलर, और तीसरी चीज है मॉडल। मॉडल किस तरह से बनेगा, किस तरह यूज करेंगे, कहाँ सेव होगा, ये तीन चीजें आपके याद होनी चाहिए, हिफ्ज होनी चाहिए। व्यू कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, कहां सेव होगा, क्या काम लिया जाएगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कंट्रोलर कैसे बनेगा, कहां सेव होगा, क्या काम लिया जाएगा, ये चीज आपको पता होनी, यानी कि ये तीन चीजें बस आपने क्लियर करनी है, ताकि आपको तमाम चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। आई बात समझ में? और इसका जो फ्लो है, ये इन तीनों के गिर्द आपका स्ट्रक्चर घूमता कैसे है, ठीक है, ये चीज समझ में आ जाएगी, तमाम चीजें आपको क्लियर आ जाएंगी। बाकी लारावेल का अपना तरीका कार है कि वो फाइल्स को किस तरह से मैनिपुलेट करता है, किस तरह से आपस में लिंक किया हुआ है,
राउट है, राउट से फिर फाइल किधर जा रही है, कहाँ जा रहा है, किधर जंप हो रही है, वो तमाम चीजें वो भी इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। तो अच्छा अब मैं लिख रहा हूँ PHP artisan make controller और controller के बाद controller का नाम make colon controller, controller के बाद उसका नाम और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ articles कर देते हैं, ठीक है, स्मॉल में लिखा मैंने, कुछ भी कैपिटल फिलहाल नहीं लिखा। उसके बाद एंटर PHP artisan make डबल कॉलम कंट्रोलर और उसके बाद कंट्रोलर का नाम, मेरे पास मैंने कंट्रोलर का नाम लिया है आर्टिकल्स। इस कमांड को मैं यहां पर कॉपी भी कर देता हूं, ये कमांड लिखी है मैंने PHP artisan make कंट्रोलर और उसके बाद आर्टिकल्स, ठीक हो गया जी। अच्छा अब जब आपने फाइल सॉरी ये कमांड एग्जीक्यूट कर दी तो इसने कहा कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तब कंट्रोलर कहां क्रिएट हुआ इसको जरा गौर से सुन लीजिए। आपके पास मैं वापस यहीं पे आता हूं, ऐप के नाम का एक फोल्डर मौजूद है जो कि रूट पे है, इसके अंदर है STDP, इसके अंदर है कंट्रोलर्स और यहां पर जो अभी आपने नाम दिया था आर्टिकल्स का, इस नाम की फाइल क्रिएट हुई है यहां पर। रिपीट करता हूं, कहां पर, ऐप में HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर आपकी फाइल बनी है। और अच्छा इसके साथ देखिए यहां कोई डॉट ब्लेड डॉट एक्सटेंशन कुछ नहीं है, सिर्फ डॉट PHP। क्लियर हो गई बात। इसका तो पाथ है वो, जब वो भी लिख लीजिए कि कहां पर कंट्रोलर सेव होगा, ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स में। अच्छा इसके अलावा यहां पर एक और फोल्डर मौजूद है HTTP के अंदर जो कि है मिडिलवेयर का, ये मिडिलवेयर भी हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में लेकिन नेक्स्ट क्लास में। कंट्रोलर और यहां पर सॉरी ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स में। अच्छा जी अब मैं इस फाइल को जो अभी बनी है ऑटोमेटिकली इस फाइल को ओपन करता हूं, यहां पर लिखा हुआ है नेम स्पेस ऐप HTTP कंट्रोलर्स, इसने इस नेम स्पेस को इंक्लूड किया, उसके बाद यूज किया है एलुमिनेट HTTP रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट एक क्लास है, उसके बाद इसने नेम स्पेस क्या होता है, व्हाट इज नेम स्पेस, नेम स्पेस इटसेल्फ क्या होता है, व्हाट इज नेम स्पेस, पैकेजेस होते हैं नेम स्पेस, यानी कि यूं समझ लें कि आपके पास एक कंटेनर है, आसान अल्फाज में एक कंटेनर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, कहा मैंने एक ही डब्बे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, आप उस पूरे कंटेनर को अपने पास रख लें और ऑन द फ्लाई जब आपको जिस चीज की जरूरत हो आप उस कंटेनर में से उसको कॉल करके, एक ऑब्जेक्ट चाहिए आपके पास पूरा कंटेनर अवेलेबल है, उस कंटेनर में से जो चीज आप इस्तेमाल करना चाहे, एक सिंगल चीज या एक से ज्यादा चीजें ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली नेम स्पेस एक वो डब्बा था जिसको आपने पूरा पूरा अपने पास कॉल कर लिया, शामिल कर लिया, उसके बाद आपने उसमें से एक ऑब्जेक्ट यूज किया है रिक्वेस्ट का, इसमें और बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिसको हम फर्दर अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट के अतबार से, फिलहाल तो मुझे रिक्वेस्ट की भी जरूरत नहीं है लेकिन चले इस्तेमाल शामिल हुआ है रहने देते हैं। तो जैसे जैसे हमें चीजों की जरूरत पड़ती जाएगी हम यहां पर पढ़ाते जाएंगे जितनी भी ऑब्जेक्ट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। कर सकते हैं हम ये कोड रट लें, अगली दफा खुद लिख दीजिए। नहीं कंपोजर से नहीं, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट से किए, PHP आर्टिसन के थ्रू किए, आपको नहीं करना, आप अगली दफा इसका जो तरीका कार है कॉपी पेस्ट। अच्छा जो फाइल नेम होगा
वही इस क्लास का नाम होना लाजमी है, ये चीज ध्यान में रखिएगा बस। और उसने एक्सटेंड करना है कंट्रोलर्स को, ठीक है। जो भी आप कंट्रोलर लिखेंगे कंट्रोलर के लिए लाजमी है, अब ये तो चले बाद में लिखेंगे, जो भी फाइल का नाम होगा तो आप क्लास का नाम दीजिए और वो एक्सटेंड करेगा लाजमन 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 इस कंट्रोलर को, एक्सटेंड्स कंट्रोलर। और उसको आप सेव करेंगे कहां पर, ऐप के अंदर, एचटीटीपी के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, जो क्लास नेम रखा होगा उसी नाम से आप उस फाइल को .php एक्सटेंशन से सेव कर दें। क्लियर होगी बात, हमारे पास फाइल नेम और क्लास नेम फिलहाल सेम है। अब मैं यहां पर इस क्लास के अंदर आप अपना कोड लिखेंगे, मैं यहां पर फिलहाल लिखता हूं एक फंक्शन इंडेक्स, और यहां पर हम लिख देते हैं इको लेट्स से माय फर्स्ट कंट्रोलर फंक्शन लेट्स से कि इसको, अब इसको आपने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया कंट्रोलर कैसे बना, कहां सेव हुआ। अब इस फंक्शन को आपने ट्रिगर करना है। अब ये फंक्शन ट्रिगर करने के अगर आप अभी चलाते हैं तो ये अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, कंट्रोलर का नाम लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अदद रूट डिफाइन करना पड़ेगा। मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं, हम कहते हैं लेट सपोज आर्टिकल्स, मैंने यहां पर लिखा है अगर आर्टिकल्स यूआरएल में हिट हो इस तरह से तो अबकी दफा कुछ भी रिटर्न मत करो, इसको एक कंट्रोलर में फेंकना है। तो कंट्रोलर में एक से ज्यादा फंक्शंस मौजूद हो सकते हैं और होते हैं, तो उस कंट्रोलर के इस फंक्शन के ऊपर हिट करना जब ये यूआरएल कॉल होगा। क्या कहा मैंने, जब ये यूआरएल हिट हो तो इस कंट्रोलर के @ बीच में है, आगे पीछे कोई स्पेस नहीं है, उसके बाद मैंने लिखा कंट्रोलर के बाद @ फंक्शन का नाम के इस फंक्शन को कॉल कर दो। क्लियर हो गई बात, अच्छा मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। क्या पूछ रहे हैं, दोबारा पूछ रहे हैं, कोई सवाल है? इंडेक्स नहीं, कंट्रोलर नेम ये है आर्टिकल्स, इंडेक्स जो है वो आपका फंक्शन या फिर कह ले मेथड है। ठीक है जी। अच्छा अब मैं वापस आता हूँ इस कंट्रोलर में, मैंने कुछ भी नहीं किया था, यहाँ पर एक फंक्शन लिखा था इंडेक्स के नाम का, जरूरी नहीं आप किसी और नाम का लिख लें, मैंने इंडेक्स लिखा आपको जो अच्छा लगे आप इसको होम कह दें या लिस्ट कह लें, जो भी आपको अच्छा लगे, जो नाम देना चाहें वो आप नाम दे दीजिए इसको। मैंने यहाँ पर इंडेक्स दिया है उसके बाद मैंने कहा कि जब ये URL हिट हो तो इस कंट्रोलर के @ इस फंक्शन को ट्रिगर कर देना। यहां पर मैंने काम किया, एक और फंक्शन लिख देते हैं लेट्स सपोज लिस्ट, एको, तब मैं यहां से
लिस्ट मैं फिलहाल ये को कर देते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स। अब मुझे इस फंक्शन लिस्ट को कॉल करना है, अब मैं क्या लिखूं, लिस्ट अब दोनों, अगर मिसाल के तौर पे अब इस केस में दोनों जो राउट है वो सेम है, ये चलेगा या ये चलेगा या कोई एरर देगा, लेकिन अगर आपके पास ये कंफ्लिक्ट आ रहा नीचे वाला चल जाएगा, लेकिन अगर ये आपको इसको अलग रखना है और इसको अलग रखना है, अलग क्लास बनाओ, या मैं अगर इस तरह से कह दूं ठीक है, सुन में क्या किया मैंने, नहीं आई, नहीं आई, दोबारा बताया तो मैंने किया ये है कि भाई अगर आपके पास एक ही कंट्रोलर में मल्टीपल फंक्शंस कॉल होते हैं और हो सकते हैं बल्कि होते ही हैं, एक क्लास में आप एक फंक्शन पर लिखेंगे नहीं कभी भी, तो मल्टीपल फंक्शंस आपके पास मौजूद होंगे, तो उन मल्टीपल फंक्शंस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको इसका राउट अलग ही बताना पड़ेगा और अलग ही होता है। तो अगर एक आर्टिकल पेज पे भेज रहा था जो कि इंडेक्स को हिट कर रहा था, अब आपके पास लिस्ट है नेक्स्ट, आप राउट इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आर्टिकल स्लैश लिस्ट, अगर ये यूआरएल हिट हो तो ये इस कंट्रोलर के इस फंक्शन पे चला जाए। अब इसके अलावा जितने भी मिसाल के तौर पर एक और है आर्टिकल डिटेल, ठीक है, और यहां पर मिसाल है आपके पास कोई आईडी आएगी इसकी, आपने ये किस तरह से आईडी हम लेते हैं इसको भी मैं बताऊंगा, डिटेल है फिलहाल में, तो यहां पर आप डिटेल्स पे चले जाए। अब जब आर्टिकल डिटेल हिट होगा तो वो इस आर्टिकल के इस फंक्शन को ढूंढेगा, अगर मिल जाएगा तो उसको हिट करेगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई बात समझ, तो जितने चाहे आपके पास फंक्शंस में, सॉरी क्लास में आप जितने चाहे फंक्शंस डिफाइन कर लें, डिफाइन करते चले, जो यूआरएल हिट हो उसके हिसाब से आपने राउट डिफाइन करना है और वो राउट डिसाइड करेगा कि मुझे इसको किस कंट्रोलर पे भेजना है। आगे बात समझ में क्लियर है, एक ही क्लास है, अभी हमने क्लासेस नहीं तो आप किसी भाई किसी और नाम की बना दो, मिसाल के तौर पे एक और मुझे क्लास बना, एक और कंट्रोलर में बनाता हूँ जल्दी से, पीएचपी आर्टिसन मेक कंट्रोलर, तो मैं कहता हूँ ऑथर, ऑथर्स, ऑथर का बन गया। अब जहां पर मैं ऑथर की डिटेल देखूंगा या ऑथर आर्टिकल्स देखूंगा, ये मेरे पास एक और कंट्रोलर बन गया सेम उसी प्रोसीजर पे, चाहे तो कॉपी पेस्ट कर लेते, चाहे तो आप पीएचपी आर्टिसन के थ्रू बना ले। अब यहां पर जो मैं फंक्शन बनाऊंगा वो मैं ऑथर के रिस्पेक्ट से बनाऊंगा, जब इसको हिट करना होगा तो इसके लिए रूट डिफाइन अलग करूंगा। आई बात समझ में, तो जितने कंट्रोलर्स बनते जाएंगे आपके पास उतने आप राउट डिफाइन करने जाएंगे और उस हिसाब से आपकी एप्लीकेशन बिल्ड होती रहेगी। मैंने पहले कभी लगाया, मैंने पब्लिक काम बताया, यहां तक क्लियर है, परेशानी मुश्किल है नहीं, अभी तक तो आसान है, अभी हमने मुश्किल काम वैसे किया ही नहीं है, अभी तक आसान है। मुझे एक काम ये करना है कि हम नॉर्मली, इस तरह मैंने आपको
कुछ देर पहले ही बताया था कि हम CSS, JavaScript, jQuery और जितने भी ये फ्रंट एंड से रिलेटेड चीजें हैं वो हम लिखते हैं कहाँ पर, व्यू पर। इसी तरह कंट्रोलर के भी कुछ असूल हैं जो कि हम करते हैं। कंट्रोलर का असूल ये है कि नो इको प्रिंट स्टेटमेंट ऑन कंट्रोलर। कोई भी इको या प्रिंट या HTML से, यानी कि जो चीजें आपने व्यू पे लिखी हैं उनमें से वो कोई भी चीज कंट्रोलर पे नहीं आएगी, ना ही इको आएगा ना ही प्रिंट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, अभी हम क्योंकि एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट में एक तरह से हम अभी सिर्फ सिंटेक्स को देख रहे हैं तो अभी फिल वर्क जायज है, अदरवाइज ना जायज है, जायज नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको भी कलमा पढ़ाते हैं, मुसलमान करते हैं भी, सबर कर। मैं बंद कर देता हूँ, अब हो गया मुसलमान। कंट्रोलर का बेसिक पर्पस क्या है? पानी नहीं लाया तुम्हारे, पानी नहीं लाया। कंट्रोलर का बेसिक पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोलर? लॉजिक। अच्छा, दो काम है कंट्रोलर के, जरा इसको भी गौर से लिख लीजिए, गौर से लिख लीजिए। पहला काम यह है कि आपके जितनी भी एप्लीकेशन की या बिजनेस लॉजिक, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लॉजिक या बिजनेस लॉजिक, वो लिखी जाएगी कंट्रोलर पे। आपकी लॉजिक लिखी जाएगी कंट्रोलर पे, अपने अल्फाज में लिख लीजिएगा। दूसरा काम यहां पर यह होगा, कंट्रोलर डिसाइड करता है कि मुझे कब कौन सा व्यू दिखाना है, अब कौन से मॉडल से कम्युनिकेट करना है, यानी कि एक तरह से मिडिल मैन है ये कम्युनिकेशन बिटवीन व्यू एंड मॉडल। कौन करता है? कंट्रोलर। यानी कि कंट्रोलर जो है वो मॉडल से भी कम्युनिकेट करता है और व्यू से भी कम्युनिकेट करता है। व्यू डायरेक्टली कभी भी मॉडल से कम्युनिकेट नहीं करता। पता नहीं क्या कहा था मैंने। कंट्रोलर मॉडल और व्यू से कम्युनिकेट करता है। कंट्रोलर के साइड के कंट्रोलर। हां, बस यही कहा था। वीडियो देखी है, क्या कहा था मुझे नहीं पता। क्या आवाज है? आवाज हुई बिल्कुल। तो क्या खाली ये तस्वीर स्क्रीन होगी कि क्या बोलो? ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कंट्रोलर किस तरह से व्यू से कम्युनिकेट करता है, उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा। यहां पर मैं यहां पर लिखता हूं रिटर्न व्यू सिंपली, जो पहले हमने काम किया था राउट पे। यहां पर मैं करता हूं होम, होम हमारे पास मौजूद है। हाँ जी, हमारा बल्कि हम इसको तरीके से करते हैं, हम करते हैं लिस्ट, एक नया पेज बना देता हूं। कहां पे सेव करूं उसको? मैंने यहां पर एक और फोल्डर क्रिएट किया आर्टिकल्स, और यहां पर मैं रखता हूं लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। क्यों किया मैंने ऐसे, अभी मैं बता देता हूं। UL यहां पर हम करते हैं आर्टिकल 1
आगे कोड दे रहा हूं। अच्छा जी, अब मैं यहां पर लिखता हूं लिस्ट, ये लिस्ट मुझे नहीं मिलेगा। मैं यहां पर लिखता हूं आर्टिकल्स डॉट लिस्ट, यहां पर आपको ये पेज मिल जाएगा। ये बेसिकली मैंने क्यों किया, फोल्डर क्यों बनाया, ताकि ताकि क्या नाम मिक्सअप ना हो, खिचड़ी ना पके। मैंने यहां पर व्यूज के अंदर एक फोल्डर बना लिया आर्टिकल्स के नाम का, और इसमें आर्टिकल्स के एक फाइल लग दी लिस्ट डॉट ब्लेड। मिसाल के तौर पे ऑथर्स की भी यहां लिस्ट होती, एक व्यू है ऑथर्स की लिस्ट का, तो उसका नाम भी लिस्ट समथिंग कुछ मैं रखता, ठीक है। लेकिन अब यहां पर अगर मैं एक फोल्डर एक और क्रिएट करता हूं ऑथर्स का, और ऑथर्स के अंदर एक फाइल है, कैसे बना पाए, अच्छा टेक्स्ट फाइल बना देते हैं। यहां पर मैं ऑथर के अंदर बनाता हूं लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। तो ये आपको डिफाइन करती है कि ये ऑथर की लिस्ट है, ये आपको बता रही है ये किसकी लिस्ट है। तो थोड़ा सा बाइफर्गेट करना, डिफरेंशिएट करना आसान है। और इन रिव्यूज के अंदर जब आपने इस फाइल को कॉल करना है, तो आपने यहां पर फोल्डर का नाम देना है डॉट फाइल का नाम। यहां पर आप स्लैश भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेरा ख्याल है, हाँ नहीं ये ज्यादा अच्छा लगता है स्टैंडर्ड, ये वो लिख ले चले आपको अगर बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल ये यूज कर रहा हूं, ये भी यूज हो जाएगा वो भी यूज हो जाएगा, क्लियर हो गया यहां तक। अब कंट्रोलर में से किसी व्यू को अगर आपने कॉल करना है, तो उसका तरीका क्या, ये हो गया, यहां तक भी क्लियर है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा हूं ताकि आपके हर पॉइंट क्लियर, यहां तक क्लियर है, आसान है कोई मुश्किल। अच्छा अब अभी हम मॉडल पे नहीं जा रहे, लेट्स अज्यूम कि वी हैव सम डेटा, हमारे पास कुछ डेटा है जिसको मुझे पास करना है व्यू के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपने इंफॉर्मेशन निकाली, आपने क्यूरी करके रिकॉर्ड्स निकाले कहां से, डेटाबेस से, ठीक हो गया। उस डेटाबेस की जितने भी एरे या जो भी वैल्यूज है, उन वैल्यूज को आपने, लेट सपोज ये लिस्ट निकाली आपने आर्टिकल्स की, ठीक है 10 आर्टिकल्स हैं। अब इन 10 आर्टिकल्स की जो इंफॉर्मेशन है, इसको आपने व्यू पे भेजना है, वहां पर जाके आपने लिस्टिंग बनानी है इसकी, ठीक हो गया। उस लिस्ट को भेजना है आपने, तो वो मैंने आपको बताया था कि जी व्यू डायरेक्टली मॉडल से कम्युनिकेट नहीं करता, और ना मॉडल डायरेक्टली व्यू से कम्युनिकेट करता, यानी कि इनका आपस में जो मवासलाती निजाम है वो थ्रू कंट्रोलर है, यानी ये जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो थ्रू कंट्रोलर करते हैं, और कंट्रोलर पे आपकी एक्चुअल लॉजिक इंप्लीमेंट होती है, ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा फिलहाल मैं ये करता हूं, मेरे पास अभी कोई मॉडल नहीं है, मैं डीबी से कनेक्टिविटी नहीं कर रहा, डेटाबेस से कनेक्शन नहीं बना रहा, मैं डायरेक्टली यहां पर एक वेरिएबल लेता हूं, फॉर एग्जांपल आर्टिकल लिस्ट, लेकिन इसमें तो मैं कितनी वैल्यूज दूंगा, एरे बना दो, एरे बना देता हूं, फिलहाल मुश्किल वाला नहीं आसान वाला काम करते हैं, ठीक है। थैंक यू, क्या नाम है आपका, नेम जो भी नाम है, अननोन पर्सन, कौन था जो, मेल था, ठीक है जी। अब मेरे पास ये दो वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल
ठीक है, इन दो वेरिएबल्स को मुझे भेजना है व्यू के ऊपर ताकि मैं वहां पर इसको इस्तेमाल कर सकूं। अच्छा, लारावेल के अंदर आपको एक से ज्यादा तरीके अवेलेबल हैं, एक से ज्यादा तरीकाकार है कि आप वेरिएबल्स को भेज दें व्यू के ऊपर। एक आसान तरीन तरीका तो ये है कि आप एक एरे ले लीजिए, उसकी की रखिए, इस वेरिएबल को एज अ सेकंड पैरामीटर पास कर दीजिए। सेम एज कोडिंग रेट, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको ये बात समझ में आ गई, क्या किया मैंने, मैंने की एक एरे ले ले, उसकी की अगेंस्ट एक वैल्यू, इंडेक्स एरे नहीं चलेगा यहाँ पे, आपको की के अगेंस्ट वैल्यू रखनी पड़ेगी। आप वैल्यू रख दें चाहे आप पूरा एरे रख दें या पूरा ऑब्जेक्ट रख दीजिए, व्हाटएवर जो भी रखना, ठीक है। अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है इसकी, सब कुछ पास कर सकते हैं, जो कुछ पॉसिबल है। हलीम बिरयानी नहीं जाएगी यहाँ से, जो चीजें पॉसिबल हैं प्रोग्रामिंग के अंदर बस वही जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं वापस यहां पर। अब मुझे यहां पर उस ऑथर का नाम पास करना है जो कि मैंने यहां से भेजा है, यानी कि नाम। अब इस नाम को लिखने के यहां पर दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि मैं पीएचपी को ही इस्तेमाल करूं, ठीक। अभी एचटीएमएल की है तो पीएचपी इस्तेमाल करने के लिए मुझे लामवार पीएचपी का टैग ओपन करना पड़ेगा, इको करूंगा मैं यहां पर हस्बे मामूल और नेम लिखूंगा जी। व्यू पे तो नहीं बना किया, व्यू पे कब किया था, कंट्रोलर पे किया, व्यू पे नहीं, व्यू पे कब किया, व्यू पे नहीं किया, देख ले व्यू कहाँ है, कहाँ है, कहाँ इसमें कहाँ लिखा है कि मैंने इको करने को मना किया, कहीं लिखा है इसमें, मैंने कहा ये लिखेंगे, इको भी लिख सकते हैं, इको प्रिंट भी लिख सकते हैं, कंट्रोलर पे इको प्रिंट करने को मना किया। अच्छा चलो नहीं लिखते ना, अभी थोड़ी देर सबर तो करें। एक तरीका मैंने कहा, एक तरीका ये है, मैंने ये कहा कि ये बेस्ट तरीका ये, छोटा और छोटा करो, एच अननोन पर्सन था, इसको इतना बड़ा नहीं कर रहे हैं, फोर कर देते हैं उसको और छोटा, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो ये कि आपको ये इसी नाम से जिस जो की आपने भेजी थी उस नाम का वेरिएबल मिल जाएगा आपको कहां पर, कहां पर, व्यू के ऊपर, जिस नाम की आपने भेजी थी कंट्रोलर से, इस की के नाम का वेरिएबल आपको मिल जाएगा व्यू के ऊपर। क्लियर होगी बात। एक तरीका उसका यह है कि आप पीएचपी जिस तरह से मैंने यहां पर ओपन किए उस की को आप इस तरह से इस्तेमाल कर लें। एक तरीका का, एक तरीका यह है कि आप जो वेरिएबल पास किया था आपने कंट्रोलर से एज अ की और की के अगेंस्ट वैल्यू, उस की के वेरिएबल को आप पीएचपी के साथ व्यू पर आकर इस तरह इस्तेमाल कर लें जो मैंने किया। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं है या आप इख्तलाफ करते हैं तो आप इसको मिटा दीजिए, बल्कि मैं इसको लिख के रहने देता हूं ताकि ये भी आपको पता हो कि ये भी तरीका नहीं, इसको मिटाना ही पड़ेगा, वीडियो में आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है, जी नहीं,
आप डबल कोट्स के अंदर आपको पीएचपी ऑन नहीं लिखनी थी ना, और अचानक कर देते हैं ये लीजिए भाई, पीएचपी नहीं लिखनी थी ना आपको। ये है स्मार्ट सॉरी कौन सा इंजन था, ब्लेड टेम्पलेट इंजन का। जब आपको किसी वेरिएबल को पिक करना है थ्रू पीएचपी, तो आप उससे पहले डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिख के और ब्रैकेट्स को बंद कर दीजिए, तो आपको वो वैल्यूज मिल जाएंगी। जी ये ईगो के लिए इस्तेमाल होता है, साथ में आपने जेंडर भी देना है। तो हमें अननोन ने पता नहीं कौन था, अच्छा नाम सही कर देते हैं इसका, गुफरान अहमद खान। चलिए गुफरान अहमद खान, कितना बड़ा नाम हो गया जी। यहां तक क्लियर हो गया, कोई परेशानी कोई सवाल? एक से मसलन उसको आपको रखना इसी के अंदर पड़ेगा इस तरीके का, या फिर दूसरा तरीका एक और है, एक और तरीका भी है। ये एक ही तरीका ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते, कॉम्पैक्ट का है, या हम एक और तरीका है विद के साथ लिखते हैं विद, और उसके बाद जो भी आपने वेरिएबल्स पास करने उन वेरिएबल्स के नाम आप यहां पर दे दें। इस तरह मिसाल के तौर पर यहां नेम है, मजीद क्या था, जेंडर है, इतने तय वो जो आप कह रहे हैं ना एक से ज्यादा है इसमें, तो भले वैल्यूज हो या एरे हो वो इस तरह से भी भेज सकते हैं। तो हम कंफ्यूजन नहीं बनाते, बस एक तरीका इसको एक याद कर ले, दो तीन तरीके और हैं उसको मैं नहीं बता रहा, लेकिन हैं तरीके, ये आसान है इसको फॉलो कर लें। क्लियर होगी बात, यहां तक कोई सवाल परेशानी? अच्छा अभी टाइम हो रहा है 3:52, 10 मिनट का ब्रेक ले लें, इसके बाद मैं टेम्पलेट इंजन बताऊंगा, ठीक है? 3:02 पे वापस आ जाएगा, यहीं पे घूम फिर के आ जाएगा, पानी वानी पी ले, मैं भी पानी पी लूं, गला खुश्क हो गया, ठीक है जी। 10 मिनट में दोबारा शुरू करते हैं ब्लेड के ऊपर, यहां से कंटिन्यू करेंगे इसी जगह इसी क्लास में। अच्छा जी अब हम बात कर रहे हैं इसके टेम्पलेट इंजन की, ब्लेड की। सबसे पहले मैं आता हूं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, और यहां पर आता हूं रिसोर्सेज में, व्यूज में। मैंने एक फोल्डर बनाया है लेआउट के नाम से। अच्छा अब ये लेआउट क्या चीज है या क्यों बना रहा हूं मैं, पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए किसी भी वेबसाइट के ऊपर या वेब एप्लीकेशन के अंदर कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे आपकी एप्लीकेशन का हेडर है ये हमेशा सेम रहता है, ठीक है? फुटर है ये हमेशा सेम रहता है। अगर आपकी लेफ्ट नेविगेशन है, लेफ्ट साइड पे कैटेगरीज आ रही है या राइट साइड पे कोई चीज आ रही है, तो वो सेम रहती है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा था बीच में जो कंटेंट की स्क्रीन है, ठीक है? तो हम कॉमन प्रैक्टिस ये है कि हम एक हेडर फुटर की फाइल अलग अलग बना के और उसको इंक्लूड करते हैं तमाम जगहों पे। लेकिन ये जो टेम्पलेट इंजन है ये आपको इससे भी आजाद कर देता है,
कि आप हेडर की फाइल अलग बनाए, फुटर की फाइल अलग बनाए, लेफ्ट अलग बनाए, राइट अलग बनाए, ठीक है। वो कहता है कि आप एक मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट है इसका, कि आप एक लेआउट बना दें, उसमें बीच हेडर फुटर तमाम चीजें उसी के अंदर शामिल होंगी, बस बीच में जो कंटेंट स्क्रीन है वो आप चेंज करते जाएं। किस तरह से वो हम देख लेते हैं। मैं इसको कहता हूं मास्टर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। मैंने एक फाइल लिखी है सिंपल एचटीएमएल फाइल है, इसमें मैंने एक टाइटल दे दिया है, फिलहाल मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। अच्छा, अब आपको पता है हेड के अंदर जो हेड है एचटीएमएल, ये सिंपल एचटीएमएल लिखी हुई है, अभी इसमें कोई पीएचपी का अमल दखल फिलहाल नहीं है। आप जब कोई सीएसएस इंक्लूड करते हैं उसके लिए लिखा जाता है लिंक, उसके बाद आप एचरेफ देते हैं और उसके बाद उस फाइल का पाथ देते हैं, ऐसे ही होता है, अलग से कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अच्छा, अब यहां पर आपको एडिशनली एक काम ही करना पड़ेगा। लारावेल आपको एक स्पेस देता है जहां पर आप अपनी तमाम जेएस सीएसएस और इमेजेस को सेव कर लें। वो कहां पर, इसको लिख लीजिए, पब्लिक के अंदर आपके पास एक फोल्डर मौजूद है सीएसएस और जेएस के नाम का। रूट पे पब्लिक के अंदर एक फोल्डर मौजूद है सीएसएस और जीएस के नाम का। यहां पर आप अपनी तमाम सीएसएस की फाइल्स और तमाम जीएस की फाइल्स को सेव करेंगे। अच्छा, एक और तरीका भी है, अगर आप चाहें तो इसको यहां भी रख सकते हैं। रिसोर्सेस के अंदर जहां पर आप व्यूज रख रहे थे, यहां पर एसेट्स के नाम का एक फोल्डर है, लेकिन इसको यूज करना मैं रिकमेंड नहीं करता। आप इसको पब्लिक के अंदर ही रखिए, पब्लिक में सीएसएस जावास्क्रिप्ट, बस आप इसको याद रखें, उसको छोड़ दें। यहां पर आप अपनी सीएसएस और जेएस की फाइल्स यहां रखेंगे, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको फाइल को पिक करेंगे, आपको उससे पहले लिखना पड़ेगा यूआरएल और उसके बाद ये स्लैश, ठीक है, और उसके बाद सीएसएस, अगर आप सीएसएस उठा रहे हैं तो सीएसएस, और अगर आप जावास्क्रिप्ट उठा रहे हैं यहां जीएस के फोल्डर का नाम और आगे उसकी फाइल, सिंपल लिंक की जगह पर होगा स्क्रिप्ट। क्या चीज नहीं, आगे भी कुछ मसला है। ठीक हो गया, बारह, ठीक है जी। तो आपने इस तरह से, उससे पहले आपने ये यूआरएल का इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये यूआरएल में आएगा क्या, आपको ये भी, फिलहाल मुझे इन दोनों की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको भी साइलेंट कर देता हूं और इसको भी साइलेंट कर देता हूं। लेकिन ये यूआरएल क्या देगा, इसको एक नजर देख लेते हैं। अभी इससे पहले हमारे पास था लिस्ट डॉट ब्लेड, मैं सिर्फ इसको प्रिंट करता हूं जस्ट टू बी रियलाइज,
है, तो ये जो URL है जो आपने रूट लिखा था वो कहां तक का एक्सेस दे रहा है आपको? पब्लिक तक का। आगे बात समझ में? पब्लिक के अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट का फोल्डर था। क्लियर हो गई बात? अभी फिलहाल इसको भी हम साइलेंट कर देते हैं, तो यहाँ टेल है। क्लियर यहां तक? कोई परेशानी? अच्छा अब हम चलते हैं, मुझे फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है लेकिन लिखे रहने देते हैं ताकि याद रहे। अच्छा हेड में आपने जितनी भी जावास्क्रिप्ट और CSS इंक्लूड करनी है वो आप इंक्लूड कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई साइड बार है, अगर है तो वो इंक्लूड कर लीजिए। उसका तरीका क्या ये होगा कि आपने अगर कोई भी फाइल, मिसाल के तौर पर ये मेरा मास्टर पेज है, अब आपने सबसे पहले इसके अंदर एक हेडर फाइल अलग रखी है, तो हेडर, उसके बाद आपने एक कंटेनर ओपन किया और यहां पर आपने लिखना है yield@yield, उसके बाद डबल कोट्स में कंटेंट, और इस डिव के बाद मैं एक दफा फिर लिखता हूं इंक्लूड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फुटर भी मौजूद है तो ये हो गया फुटर, दैट्स इट। ये आपका मास्टर पेज हो गया, हेडर ये खुद शामिल करेगा, फुटर ये खुद शामिल करेगा, यहां पर आपके हर दफा कंटेंट जो है वो ऑन द फ्लाई चेंज होते रहेंगे। जो फाइल्स, ये मैंने फाइलें इंक्लूड की हैं जबकि कंटेंट को मैंने ईड किया है, क्यों? क्योंकि ये चेंज होगा हर दफा और ये चीजें सेम रहेंगी। ये व्यू होगा। अच्छा मैंने अभी बना दिया हेडर, एक कॉमन लेआउट बनाया, एक हेडर है, एक फुटर है और यहां पर ये आपके कंटेंट है। यहां तक क्लियर है? इसमें कोई परेशानी? अच्छा अब ये फाइलें कहां पर होंगी? मैं इससे पहले एक चीज और लिखता हूं, layout.header और layout.footer। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम व्यूज में मैंने एक फोल्डर बनाया था लेआउट का, ठीक है, हम लेआउट से रिलेटेड जितनी फाइल्स हैं उनको हम सेपरेट रख लें ताकि कोड आपका साफ सुथरा रहे, ठीक है। यहां पर मैं एक फाइल और बनाता हूं, मिसाल के तौर पे यहां पर हम लेआउट में हेडर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है, माय ब्लॉग ऐप, एक और फाइल बनाते हैं, footer.blade.php। अब यहां पे आपकी जितनी भी HTML हो, मैंने फिलहाल सिंपल सिंपल रखा है हेडर को और फुटर को, आप यहां पर जितनी चाहे लिंक्स और जो भी आपका HTML कोड हो वो सब आप यहां पर कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है जी। फिलहाल आसान आसान ये काम ये करते हैं कि मैंने यहां पर P ले लिया है और वहां पर H1 ले लिया है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं किया। अब हम चलते हैं वापस इस मास्टर की तरफ। अब लेआउट डॉट हेडर, ये बात समझ में आ गई, डॉट हेडर क्यों लगाया मैंने, लेआउट डॉट, कि लेआउट के अंदर हेडर नाम की फाइल है और लेआउट के अंदर ही फुटर नाम की फाइल है। क्लियर हो गया? अब रह गया मसला इस कंटेंट का। अभी कंटेंट कहां से आएंगे इसको हम देख लेते हैं। इस हेडर को बंद कर दूं, जरूरत नहीं है, फुटर को भी बंद कर दूं, जरूरत नहीं है। तो अब हमने ये जो लिस्ट का जो पेज बनाया था, तो हम इस लिस्ट को चेंज करते हैं, चलिए एक और पेज बना लेते हैं डिटेल का। वापस आ रहे हैं हम
कंट्रोलर पर और आर्टिकल डिटेल बना देते हैं भाई। अच्छा जी, ये कंट्रोलर में मैंने काम किया, दो वेरिएबल्स दिए टाइटल और डिटेल, और उसके बाद इसको पास ऑन कर दिया व्यू पे, जो कि कहाँ मौजूद है, आर्टिकल्स के अंदर डिटेल्स का। ये कहाँ पर बनाऊँ मैं डिटेल के नाम का व्यू, डिटेल्स इसे होगा ऐप के अंदर, सॉरी ब्लॉग में, रिसोर्सेज में, व्यूज में, आर्टिकल्स में और डिटेल डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। अच्छा अब इसको फिलहाल, अभी मैंने इसमें टेम्पलेट वाला कोई काम नहीं किया, अभी हम टेम्पलेट वाला काम करते हैं। अब मुझे पहले इसके लिए राउट डिफाइन करना है, तो राउट डिफाइन करने के लिए ये ऑलरेडी डिफाइन हुआ, डिटेल कर देते हैं और डिटेल। अब मैं आर्टिकल स्लैश डिटेल क्लिक करूंगा तो ये हिट हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, डिटेल आ गया। अब हम चलते हैं वापस, यहां तक क्लियर? क्या किया मैंने, राउट डिफाइन किया कंट्रोलर के लिए, कंट्रोलर में फंक्शन लिख दिया और कंट्रोलर से मैंने इस व्यू को कॉल किया, जो कि कहां मौजूद है, आर्टिकल के अंदर डिटेल्स, और इसको दो वेरिएबल पास किए। ये डिटेल का फंक्शन, डिटेल की फाइल जो है रिसोर्सेज में, व्यूज में मौजूद है। तीन काम किए, एक राउट डिफाइन किया, कंट्रोलर में फंक्शन डिफाइन किया और एक फाइल क्रिएट की, दैट्स इट। और हमने एक मास्टर लेआउट बनाया जिसको अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया, अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। ये मेरे पास अब सिर्फ टोटल एक राउट की फाइल, एक कंट्रोलर, एक ये डिटेल जिसमें मैं अभी इस लेआउट को यूज करूंगा, और ये मास्टर लेआउट है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया। अब आपने इसको इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने के लिए आप लिखेंगे एट द रेट एक्सटेंड, यहां पर आप लिखेंगे लेआउट डॉट मास्टर। इसके बाद लिखेंगे सेक्शन कंटेंट, यहां पर लिखेंगे एंड सेक्शन। यहां पर मैं लिख देता हूं नाम का वेरिएबल, तो
extends ठीक है जी। आपने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड्स लिखना था, ऐसे नहीं लगाया था मैंने, ये लेआउट को एक्सटेंड किया। अब इसको पता है इसने हेडर को इंक्लूड किया, उसके बाद यहां पर इसको कंटेंट चाहिए थे, ये इसके कंटेंट आ गए, ये हमने जो सेक्शन बनाया है कंटेंट का, यहां पर जो भी आप कंटेंट देंगे वो इस जगह पर जाकर प्लेस हो जाएंगे। और उसके बाद सॉरी आखिर में ये फुटर इंक्लूड हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले ये ब्लॉग ऐप आपकी कहां से आई, हेडर से, क्योंकि हमने हेडर में लिखा था ये। उसके बाद आपका आर्टिकल टाइटल, ये आपके कंटेंट आ गए, और आखिर में आपका फुटर आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास जितने भी पेजेस बनते चले जाएंगे आपने क्या करना है, सिर्फ इस लेआउट को इंक्लूड करना है, सेक्शन कंटेंट को ओपन करना है, यहां आपने कंटेंट चिपकाने और आगे बढ़ जाना है। मतलब जो पेज आप यहां से देखिए, मैंने यहां डिफाइन किया है कि मुझे ये पेज चाहिए, इस पेज के ऊपर मैंने ये डिफाइन किया है इसने लेआउट कौन सा इंक्लूड करना है और मेरे सेक्शन कंटेंट क्या होंगे, जो कंटेंट होंगे वो आपने इस जगह पर डिफाइन करना है। दैट्स इट। एक्सटेंड ये टेम्पलेट इंजन का फंक्शन है, जो कि जी एक्सटेंड एक तरह से कह लें कि ये उस लेआउट को इंक्लूड कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है अपने पास, जिसको इसने इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहां पर आपने सेक्शन कंटेंट ये बता रहे हैं कि इसके अंदर जो आपने ब्लैंक स्पेस छोड़ी थी कंटेंट की, जहां पे आपने ईल्ड करना है, ईल्ड मैंने ईल्ड के लगवी मैंने मतलब इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन क्या है, क्या करना ईल्ड मैंने कैच करना, लेना या फिर कैप्चर करना, पकड़ना, जो भी है जो भी है, जो कंटेंट इसने पिक करने वो आपके यहां पर डिफाइन होगा एज अ सेक्शन कंटेंट, वहां पर आप ईल्ड करते हैं। ये मास्टर लेआउट एक दफा बनेगा, उसके बाद आपने सिर्फ उस लेआउट को हर दफा एक्सटेंड करवाना है और यहां पर अपने सेक्शन कंटेंट डिफाइन करना है। और जी ये वाला व्यू जो है ये कंट्रोलर से कॉल होगा। अच्छा, अब यहां पर अगर आपने मिसाल के तौर पे आपके पास एक से ज्यादा, अब हम चलते हैं वापस एक काम करते हैं, इसी चीज को इस्तेमाल करते हैं लिस्ट के लिए। मैं फिलहाल एक थोड़ी आखिरी चीज हम थोड़ी सी और देखते हैं, यहां पर मैं एक एरे ले लेता हूं आर्टिकल लिस्ट का, और इसमें मैं डिफाइन कर देता हूं लिस्ट आर्टिकल, सिंपल सिंपल रख लेते हैं, वन टू फोर फाइव फॉर एग्जाम्पल। थ्री और इसको मैं रख लेता हूँ डेटा पे और ये डेटा पास कर देता। अब मेरे पास एक एरे है, ठीक है, अब एरे के हिसाब से मुझे वहां पर लूप चलाना है व्यू के ऊपर। तो लिस्ट जो पेज था मेरे पास, मैं इस लिस्ट के पेज को ओपन करता हूँ, प्रीवियस जितना कोड है इसको मैं कमिट आउट कर देता हूँ। पहली लाइन ले लेते हैं यहां से,
अब मेरे पास जो लिस्ट है आर्टिकल्स की, जो मैंने यहां से एरे पास किया है, कहां पर? इस लिस्ट पे। इस नाम का वेरिएबल अगर मैं इसको यहां पर प्रिंट करता हूं, लिस्ट पे जाते हैं दोबारा से, ये आपको कहता है कि क्या कहता है जेंडर नहीं कर रहा होगा जो उसकी है कि आपने एक एरे को अनडिफाइंड वेरिएबल नेम, अच्छा नेम कहाँ है, सॉरी ये इसका एरर देगा, इसको मिटाना पड़ेगा आपको। हाँ देते हैं। अब ये कह रहा है कि ये एक एरे है। अच्छा मैं यहां पर करता ही हूं कि सबसे पहले क्या करता हूं, एक्सटेंड्स लेआउट डॉट मास्टर, उसके बाद एट द रेट सेक्शन डबल कोट्स कंटेंट, और जहां पर ये खत्म हो रहा है तो वहां पर एंड सेक्शन। इसके बाद ये जो लिस्ट है, अब मुझे ये एक एरे रिसीव हुआ है, एरे के लिए आपको लाजमी फॉर ईच चलाना है। तो फॉर ईच चलाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, अगेन एक तो वही तरीका कि जी आप पीएचपी ओपन करें, दूसरा तरीका यह है कि एट द रेट पीएचपी की जगह फॉर ईच ऊपर बनाया था यूएल, use of undefined constant layout, अच्छा जी सॉरी इनवर्टेड कॉमास, तो अब यहां पर मैं प्रोसेस को, ये आपका लेआउट शामिल हो गया, उसके बाद आपने सेक्शन कंटेंट ओपन किए, और यहां पर जिस तरह आप पहले फॉर ईच एग्जीक्यूट करते थे वही तरीका कार है, सिर्फ आपने वो पीएचपी के टैग की जगह एट द रेट, सॉरी हाँ एट द रेट का साइन इस्तेमाल किया। अच्छा ये पहले हम ये ब्रैकेट्स लगाते थे, अब आपने ब्रैकेट्स नहीं लगाने, स्टार्ट इस तरह से होगा और एंड इस तरह से होगा। इसी तरह से कहीं पे अगर आपको इफ एल्स लिखना है तो आपने उससे पहले इफ जो भी आपकी कंडीशन है वो उसी तरह से कंडीशन लिखी जाएगी जैसे आप पहले लिखते थे, कोई चेंज नहीं आएगा, और जहां पर आपने इसको बंद करना है वहां पर आप एंड इफ करेंगे उससे पहले एट दी। अगर एल्स लगाना है तो उसी तरह से एल्स लगेगा बस उससे पहले, और जहां पर एल्स एंड होगा वहां पर एट दी एंड एल्स। हाँ अगर आप इसको पीएचपी के थ्रू लिखना चाहें तो आप वही पीएचपी का जो तरीका कार्ड था कि आप टैग ओपन कर लीजिए और उस तरह से लिख लें, लेकिन अगर आप इसका टेम्पलेट इंजन इस्तेमाल करें तो कंपैरेटिवली आसानी है, आपको पीएचपी का टैग बार बार ओपन क्लोज नहीं करना पड़ रहा, सिंगल कोड डबल कोड की परेशानी नहीं है, सिंपली आप बस एट द रेट साइन लगाएं और काम सारा आपका उसी पैटर्न पे हो रहा है जिस तरह से आप पहले कर रहे थे। ठीक है जी, तो ये आपका लेआउट किस तरह बनेगा ये देख लिया, जो कि ब्लेड टेम्पलेट इंजन के थ्रू है, फिर उस टेम्पलेट को किस तरह से आप एक्सटेंड करके अपने सेक्शन कंटेंट डिफाइन करेंगे, लूप इफ एल्स उसी तरह से जिस तरह से पहले था, फर्क सिर्फ ये है कि पहले आप जिस तरह से कर रहे थे अब वही चीजें आप, काम तो सारे वही हो गए
सिर्फ आपने उनकी प्लेसमेंट अपनी अपनी जगहों पे कर दी है। क्लियर हो गया यहां पर, इसमें कोई परेशानी, कोई सवाल? लेआउट के जितने पेजेस हैं वो आप लेआउट में रख दीजिए। बाकी अच्छा तरीका ये है कि जिस तरह आर्टिकल्स या ऑथर्स या इस तरह रेलिवेंट, उसके आप अलग अलग फोल्डर्स बना के उसमें आप अलग अलग उसके पेजेस को डालते जाएं। ये पेजेस कैसे कॉल होंगे? कंट्रोलर से कॉल होंगे। कंट्रोलर जब आप लिखेंगे तो आप उसको डिफाइन करेंगे कहां पर? रूट के अंदर। यहां तक क्लियर? आज हमने तीन चीजें देखी है, एक देखा हमने व्यू और एक देखा कंट्रोलर, तीसरा टेम्पलेट इंजन। बाकी जो उसका स्ट्रक्चर है उसको हमने डिस्कस किया, वो भी अभी मुख्तसर, अभी हम बहुत डिटेल में अभी भी नहीं गए। यहां तक क्लियर? कोई सवाल यहां तक? इमेजेस भी पब्लिक में जाएंगे। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दीजिए कि नेक्स्ट क्लास जो है वो हम फ्राइडे, सैटरडे नहीं, फ्राइडे को यूनिवर्सिटी जो है वो 12 तारीख पे बंद रहती है, 1 बजे बंद रहती है दोपहर में। थर्सडे या वेनेसडे? कितने लोग थर्सडे? भाई एक क्लास मुझे चाहिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर चार, अगर सिर्फ संडे लेते हैं तो 4 से 5 घंटे ही क्लास होगी। मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूंगा अगर किसी वजह से, वैसे तो खवातीन को मसला होना चाहिए, आप चारों में से किसी को, 5, 2, 3 आई नहीं आज। मैं भी ऑफिस से ही आऊंगा, चारे फैसल वालों को मैं पिक एंड ड्रॉप भी ले सकता हूँ। मैं भी शहर फैसल से दौड़ता हुआ 6 बजे निकलता हूँ, 6:30-7 बजे अगर मगरिब की नमाज 6 बजे है ना, थर्सडे फ्राइडे को यूनिवर्सिटी बंद है। जी मना कर रहे हैं, सीपी, सीपी में स्टाफ नहीं होगा, हमारा ताल्लुक सीपी से ना। मैंने भी फोन, मैं बाहर गया था, फोन करने ही गया था, पूछने ही गया था उनसे, उनका थर्सडे सॉरी फ्राइडे सैटरडे छोड़ दें, इसके अलावा किसी भी दिन रख लें। ट्यूजडे बहुत अर्ली हो जाएगा। अच्छा कितने लोग थर्सडे के हक में? प्लीज 7 से 9, 2 घंटे लेंगे दादी, 9:30 तक छोड़ दूंगा। कितने लोग वेनेसडे के हक में? कितने लोग ट्यूजडे के हक में? तो थर्सडे जमहूरियत जीत गई, ठीक है जी। तो थर्सडे इंशाल्लाह थर्सडे को 7 बजे जो है वो इसी जगह पे जहां पर आप अभी मौजूद हैं, यहां पर क्लास होगी और उसमें हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। टेम्पलेट तक यहीं तक, टेम्पलेट तक तो हो गया, फॉर्म क्रिएट करके इससे ऑनवर्ड्स फॉर्म की किस तरह से सर्कुलेशन है, फॉर्म किस तरह से इसमें घूमे फिरेगा उसको देख लेंगे, क्रेड बना देंगे, एक थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, एक क्रेड बना देंगे उसके बाद। क्रेड के साथ ही जो हमारा मॉडल का जो इस्तेमाल है वो मॉडल देख लेंगे, बस हम 2 चीजें कर लेंगे, एक फॉर्म क्रेड बना लेंगे और उसमें हमारा मॉडल यूज हो जाएगा, मॉडल को हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, ठीक है। संडे को, नेक्स्ट संडे को हमारे पास 3 चीजें होंगी, एक हमारे पास होगा मिडिल वेयर, मिडिल वेयर समझना जरूरी है, बताना जरूरी है। नेक्स्ट संडे हम मिडिल वेयर देख लेंगे और उसके साथ 2-3 चीजें जो उसकी कुछ लाइब्रेरीज है वो हम डिस्कस कर लेंगे कि इन लाइब्रेरीज को हमने इस्तेमाल किस तरह करना है। अभी हम सिर्फ बेसिक बेसिक देख रहे हैं इसके स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट संडे को मैं इसके जो लारावेल की जो इटसेल्फ जो पावर है, जो कोर है, मॉडल तक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमारे पास एक्स्ट्रा एक दिन होगा जिसमें मैं इसकी कोर जो पावर है, जो इसकी लाइब्रेरीज है जिसमें मिडिल वेयर है, सीडर है, रिक्वेस्ट है और आपके ऑथेंटिकेशन है, वो तमाम चीजें वो हम संडे को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट थर्सडे को इंशाल्लाह 7 बजे
इसी जगह पे। अच्छा अब यहाँ तक हम क्लास खत्म हो गई, मैं वीडियो पॉज कर दूं, फिर दो चार चीजें और हैं वो मैं बताएगा।